साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच आज मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले की अगर टॉप मूवमेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला फैसला था, लेकिन जब साउथ अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी करने आई तो टॉप मूवमेंट यह था, तंजीन हसन ने एक शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट जो है वो पावर प्ले में दिला दिए बांग्लादेश को, जिसमें 1 तस्किन अहमद का था और 3 तंजीन हसन के थे। तो अगर देखा जाए तो काफ़ी शानदार उसमें गेंदबाजी थी। वहीं अगर देखा जाए फिर उसके बाद जो दूसरा टॉप मूवमेंट था वो ये था कि हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर ने काफ़ी शानदार साझेदारी करते हुए इस मुकाबले को अपने नाम करवाया। और देखा जाए तो 89 रनों की जो उनकी साझेदारी थी उस साझेदारी के बदौलत ही ये टीम 113 रन पर पहुंच पाई और एक कॉम्पिटेटिव टोटल साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश के खिलाफ रखा। साउथ अफ्रीका की टीम ने 113 रन बांग्लादेश के खिलाफ रखे, जिसमें हेनरिक क्लासेन ने शानदार पारी खेली और इसके अलावा डेविड मिलर ने भी जुझारू पारी खेली। तो ये दूसरा टॉप मूवमेंट था। और अगर बात करें तीसरे टॉप मूवमेंट की तो वो टॉप मूवमेंट था जब मैच पलटा। मैच देखिए कहाँ से पलटा, वो पलटा 16वें ओवर से, जब बैट्समैन ओवर लेकर आए और सिर्फ 6 रन दिए उन्होंने। उसके बाद फिर अगला ओवर जिसमें सबसे बड़ा विकेट गिरा और जो कि तौहीद हृदय का विकेट गिरा था, और उनका विकेट गिरने के बाद साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो बांग्लादेश के ऊपर पूरी तरीके से हावी हो गई। उनके विकेट गिरने के बाद उसी ओवर में सिर्फ रवाडा ने 2 रन दिए और उसके बाद अगला ओवर बैट्समैन फिर लेकर आए और उस ओवर में बैट्समैन ने सिर्फ 6 रन दिए। और उसके बाद जो अगला ओवर आया उसमें केशव महाराज ने इस मैच के जीत की कहानी लिखी। केशव महाराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 11 रन डिफेंड किए और 6 रन मात्र दिए उन्होंने, और काफ़ी शानदार गेंदबाजी करते हुए इस मुकाबले को 4 रनों से नाम कर दिया साउथ अफ्रीका के। साउथ अफ्रीका की टीम इस मुकाबले को 4 रन से जीत गई और 4 रन से जीतने के बाद हेनरिक क्लासेन इस मुकाबले के जीत के हीरो रहे। तो अब देखना होगा साउथ अफ्रीका की टीम आगे आने वाले मुकाबलों में किस तरीके से खेलती है, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आ चुकी है। नेदरलैंड को हराया, हालांकि नेदरलैंड को ऑलमोस्ट हारते हारते बचे थे नेदरलैंड के खिलाफ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मुकाबले जो है साउथ अफ्रीका की टीम ने खेले हैं और अब देखना होगा साउथ अफ्रीका की टीम जो श्रीलंका के खिलाफ खेलेगी वो किस तरीके से मुकाबला खेलती है। वहीं अगर बात की जाए इस मुकाबले की तो इस मुकाबले में 4 रन से साउथ अफ्रीका ने रोमांचक तरीके से जीत दर्ज की है और बांग्लादेश को हराया है। अब देखना यह भी होगा कि बांग्लादेश की टीम किस तरीके से आने वाले मुकाबलों में खेलती है, क्योंकि बांग्लादेश की टीम अब मुकाबला हार चुकी है, 2 मैच में से 1 मैच जीता है और 1 मैच हारा है। स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए वन इंडिया हिंदी के साथ बने रहें।